फिलहाल दोस्तों आप जो आपके स्क्रीन पे पेज देख रहे हो ये हमारे ही यूट्यूब चैनल का एक सब्सक्राइबर का पेज है, जिन्होंने मुझे ये पेज दिया है उनके पेज को चेक करने के लिए। इस पेज का जो मोनेटाइजेशन है वो बंद किया गया है, इस पेज पे रेस्ट्रिक्शन कर दिया गया है। तो इसका क्या रीज़न है उन्होंने बोला है कि मुझे इसका हेल्थ चेक करके बोलने के लिए। तो आज के ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, कि क्योंकि इस वीडियो का इशू बहुत सारे क्रिएटर के साथ हो रहा है, और अगर आप में से भी किसी को ये इशू हुआ है या ना हो तो दोनों लोगों को ही ये वीडियो पूरा देखना है। तो वीडियो पे आखिर तक जरूर बने रहना। तो सबसे पहले दोस्तों इस पेज का हेल्थ चेकअप के लिए मैं चला जाऊंगा क्रिएटर स्टूडियो पे। इस पेज का तो मैं अभी आ गया हूं क्रिएटर स्टूडियो पे। तो क्रिएटर स्टूडियो पे जाने के बाद सबसे पहले आपको मोनेटाइजेशन जो एरिया है उस पे आना है और देखना है क्या है। तो इनका जो पेज है इस पे अभी आप लोग रेड कलर का लिखा देख रहे हो, स्टेटस पे बता रहा है विथ रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन, मतलब कि इस पेज का मोनेटाइजेशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, इस पेज को डिजेबल कर दिया गया है मोनेटाइजेशन को। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, आप लोग देख सकते हो, वायोलेशन मतलब पॉलिसी जो है फेसबुक का उसका उल्लंघन किया गया है, इसीलिए इस पेज को वायोलेशन आने के वजह से रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है मोनेटाइजेशन को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन लिखा हुआ है। तो अब मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ये पेज किस लिए मोनेटाइजेशन रेस्ट्रिक्टेड हुआ है ये जानना आपके लिए एज ए क्रिएटर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी ये रेस्ट्रिक्टेड आता है तो लोग मुझसे सिर्फ ये जानना चाहते हैं, सर रेस्ट्रिक्टेड आ गया है अब मैं कैसे फिर से उस पेज को मोनेटाइज करूँ। अरे भाई मोनेटाइज फिर से करना बहुत मुश्किल है अगर आपके पेज पे रेस्ट्रिक्टेड आ जाता है मोनेटाइजेशन। तो येलो कलर का आता है, एट ट्रिक्स आता तो थोड़ा सा इजी है, मगर रेड कलर का रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन आता है तो बहुत डिफिकल्ट होता है। मगर यहाँ पे उम्मीद नहीं हारना है अगर आप एक क्रिएटर हो तो। इन केस में सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन डिफरेंट लोगों का डिफरेंट रीज़न के वजह से आता है, मैं एक सोल्यूशन हर किसी को नहीं दे सकता, मगर ये वीडियो पे मैं जो दिखाऊंगा ये किस लिए आया है इसको समझने की कोशिश करूंगा। अगर आपको भी इसी रीज़न के वजह से आया है तो आपको भी वीडियो पे बताए गए स्टेप ही फॉलो करना है अगर आप चाहते हो फिर से आपका मोनेटाइजेशन एनेबल हो जाए। तो चलिए आपको दिखाता हूँ किस लिए इस पेज पे रेस्ट्रिक्शन आया है, और आपको भी आपके पेज पे क्यों रेस्ट्रिक्शन आया है उसको कैसे चेक करना है। तो सिर्फ जब भी आपको ऐसे क्रॉस दिखाई देगा और रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन लिखा आएगा, पेज के ठीक नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो सी डिटेल आया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा किस रीज़न से, किस वजह से आपका जो पेज है उस पर रेस्ट्रिक्शन आया है मोनेटाइजेशन। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, आप देख सकते हो, योर पेज एबिलिटी टू अर्न लिमिटेड बिकॉज इट इज़ नॉट फॉलोइंग आवर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी। पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को फॉलो ना करने के वजह से इस पेज को रेस्ट्रिक्ट किया गया है मोनेटाइजेशन। तो आप पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी पे क्या क्या आता है ये आपको जानना है। इसका मतलब ये नहीं कि पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी पे जितना सारा रूल्स रेगुलेशन रहेगा सब आपके पेज ने ब्रेक किया है, कोई एक या दो जो पॉइंट है उसको ब्रेक किया है, जो मैंने लास्ट जो वीडियो बनाया है उस पर भी बता दिया था। तो अगर कोई भी दोस्त लास्ट वीडियो को मिस किए हो तो यही सारे पॉलिसी रहता है उनमें। तो मैं और एक वीडियो भी बना चुका हूँ इसके ऊपर क्या कुछ पॉलिसी होता है, ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना जाने आप लोग काम करते हो और बाद में आप लोग फंस जाते हो। तो यहाँ पे आप लोग एक एक करके मैं नाम बता दूंगा, मगर डिस्क्राइब नहीं करूंगा इस वीडियो पे। अगर किसी को देखना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके उन वीडियो को देखो तो इन सारे चीज़ों के बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी मिलेगा। तो सबसे पहले किस किस रीजन से मोनेटाइजेशन जो है वो जा सकता है ये आप लोग देख लो, रेस्ट्रिक्टेड क्यों होता है। फॉलो आवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड, मतलब कम्युनिटी स्टैंडर्ड ना मानने के वजह से जा सकता है। फॉलो आवर कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी ना मानने की वजह से जा सकता है। शेयर ऑथेंटिक कंटेंट, ऑथेंटिक कंटेंट ना डालने की वजह से जा सकता है। शेयर ओरिजिनल कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट ना डालने की वजह से जा सकता है। मोनेटाइज ऑथेंटिक एंगेजमेंट, ऑथेंटिक एंगेजमेंट पेज में ना होने की वजह से जा सकता है, जहां पर रोबोटिक आर्टिफिशियल एक्टिविटी होता है, जैसे आप लोगों ने कहीं ग्रुप पे शेयर कर दिया आपके जो वीडियो है जो फेसबुक पेज पे डाले हो तो उस पे रोबोटिक एक्टिविटी माना जाएगा, फेसबुक का एल्गोरिदम उसको वही मानेगा क्योंकि आप पेज को ऑलरेडी मोनेटाइज किए हो और
फेसबुक चाहता है ऑथेंटिक जेन्युइन ट्रैफिक आपके पेज पे आए। यहाँ पे ऐसा नहीं कि कहीं ग्रुप पे 1 लाख फॉलोअर है, उस ग्रुप पे जाके आपने वीडियो को शेयर कर दिया फेसबुक प्लेटफॉर्म पे। ऐसा करोगे तो इस मोनेटाइजेशन जो ऑथेंटिक एंगेजमेंट है इसके हवाले आएगा और आपका पेज का रेस्ट्रिक्टेड होने का चांसेस 10 गुना बढ़ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉलो आवर पेमेंट टर्म ना मानने की वजह से भी होता है, फॉलो आवर पेज टर्म ना मानने की वजह से भी होता है, डेवलप एंड एस्टेब्लिशमेंट प्रेजेंस इसके वजह से भी होता है, फॉलो आवर रूल्स फॉर पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट उसके वजह से भी होता है, और उसके बाद एवॉइड सिस्टमेटिक वायलेंस इसके वजह से भी होता है। तो यहाँ पे ये सारे लिख दिया गया है आपका। आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ऑलरेडी मैंने मेरे फेसबुक फॉर प्लेलिस्ट पे बहुत सारे ये टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के रखे हैं। आप लोग कितना देखते हो आपको ही पता है, अगर अच्छे से देखते होंगे तो ये सारे चीज़ आपके पेज पे मसला होने ही नहीं वाला था, इशू होने ही नहीं वाला था। आप लोग बाद में देखते हो इसीलिए इशू होता है। तो अब मैं समझाऊंगा आपको इस पेज पे बेसिकली क्यों आया है। तो ये जो पेज है इस पे जो रिस्ट्रिक्शन आया है इसके लिए जो जिम्मेदार है वो यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो बोल्ड करके लिखा हुआ है, लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट। इसका मतलब क्या होता है, इस पेज पे मोनेटाइजेशन रिस्ट्रिक्शन आया है क्योंकि पेज पे जो कंटेंट है वो ओरिजिनल नहीं है। यहाँ पे ओरिजिनल नहीं है कि मतलब क्या है, आप एज ए क्रिएटर खुद क्रिएट नहीं किए हो उन तमाम वीडियो को, कहीं से कॉपी करके पेस्ट किए हो, नहीं तो दूसरे पेज पे ऑलरेडी है ऐसा वीडियो डाले हो, नहीं तो कहीं से आपने दूसरे का कंटेंट कोई दूसरा प्लेटफॉर्म से उठाया हुआ कंटेंट है और फिर उन्होंने आपको कॉपी राइट स्ट्राइक दिया है, ये भी हो सकता है। तो इन सारे चीज़ों में आपका मोनेटाइजेशन जा सकता है, ओरिजिनल कंटेंट डालने की कोशिश होना चाहिए। और अगर ये इशू आ गया एक बार तो आपको 100% जाके आपके जो वीडियो है आपको जाना कहाँ पे पड़ेगा, कंटेंट पे जाके आपके जितने सारे वीडियो है यहाँ पे जितने सारे वीडियो है इन वीडियो में जो भी वीडियो आपको लगता है, क्योंकि आपका पेज है आपको मालूम है कौन सा वीडियो आपने कहाँ से कॉपी किया है, अगर कॉपी किया हुआ कंटेंट है ओरिजिनल नहीं है तो उन वीडियो को डिलीट करना ही है। ओरिजिनल नहीं है का मतलब यही होता है कि ये वीडियो कहीं फेसबुक प्लेटफॉर्म पे दूसरे के पेज में दूसरे के प्रोफाइल पे दूसरे के ग्रुप में पहले ही डाला हुआ है फिर आपने डाले हो तो ये रिपर्पस्ड हो जाता है, नहीं तो कहीं से कॉपी करके फेसबुक से डाले हो, नहीं तो बाहर कहीं से कॉपी करके डाले हो और कॉपीराइट गाइडलाइन के अगेंस्ट जाते हुए आपका पेज को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। जैसे कि हम लोग वीडियो डालते हैं, कोई म्यूजिक वीडियो रिलीज होता है यूट्यूब पे और वहाँ से उठा के हमने फेसबुक पे डाल दिया, और जो टी सीरीज वाले होते हैं या बड़े बड़े जो म्यूजिक क्रिएटर वाले होते हैं वो लोग कंटेंट आईडी खरीद के रखता है तो फेसबुक के एल्गोरिदम को नहीं तो यूट्यूब के एल्गोरिदम को भी मालूम पड़ जाता है कहाँ से कॉपी किया गया है, जिसके वजह से रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। तो अगर आपने भी ऐसा कुछ किया है तो आपको सिंपली से वो सारे वीडियो कंटेंट या फिर टेक्स्ट या फिर इमेज जो भी आपके पेज पे कॉपी पेस्ट है उसको हटाना ही है, 100% हटाना है, डिलीट करना है, और आपको खुद से फुल रिव्यू करना है सारे वीडियो को एक एक करके और देखना है कौन सा वीडियो पे क्या इशू है, कौन सा चीज़ जो है वो ओरिजिनल नहीं है, कहीं से आपने कॉपी किया है। और यहाँ पे आपको ये और एक ध्यान रखना है कि ब्रांड का नाम भी यूज़ मत करिए वीडियो के टाइटल वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, क्योंकि ब्रांड टैगमार्क जो होता है वो ऑलरेडी कॉपीराइट होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओरिजिनल कॉन्टेंट बनाइए, एज ए क्रिएटर वीडियो कॉन्टेंट बनाने की कोशिश कीजिए ताकि आपके पेज पे ये सारे इशू कभी आए ही नहीं। मैक्सिमम लोगों का क्या है, जल्दबाजी में रहते हैं और दूसरे का कंटेंट डाल के खुद क्रिएटर बन के पैसा कमाना चाहते हैं। ये सब शॉर्टकट अगर आप लोग अपनाओगे तो 2019 और आने वाले 2020 में मोनेटाइज करके पैसा कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब मैं इस पेज का ही जाऊंगा मोर पे और पेज क्वालिटी, क्योंकि लास्ट जो मैं वीडियो बनाया था जिस पे रिक्स आया था वहाँ पे आपने देखा होगा
पेज का क्या क्वालिटी दिखाया था, तो अब मैं इस पेज का भी आया तो यहाँ पर भी देख सकते हो पेज हैज़ नो वायोलेशन, कम्युनिटी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस का कोई स्ट्राइक इस पेज पे नहीं आया है। तो ये एक गुड न्यूज़ है इस पेज के लिए भी। मगर यहाँ पे जो आया हुआ है वो है रेस्ट्रिक्शन, वो भी परमानेंट, जो रेड कलर का आता है रेस्ट्रिक्शन, ये आने के बाद फिर से आपको अप्लाई करके उसको मोनेटाइज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये मोनेटाइजेशन आ चुका है और यहाँ पे मैं सी मोर डिटेल में करूँगा तो आप लोग देख सकते हो कि ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शन आया हुआ है। मगर बहुत सारे जनों का ये जो हमने अभी आपको स्टेप दिखाया डिटेल पे क्लिक करके आया तो ये ऑप्शन रह जाता है रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू। तो अगर ये ऑप्शन आपके भी मतलब पेज पे है, रह जाता है रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन आने के बाद भी, तो आप लोग इस बटन के थ्रू फिर से अप्लाई कर सकते हो मोनेटाइजेशन के लिए। मगर अप्लाई करने से पहले इस पर मैं क्लिक करूंगा तो एक लिंक ओपन होगा जहां पे जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यहां पे सिंपली से आपको चूज़ करना है आप कौन सा मोनेटाइजेशन कर रहे हो, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी या कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी। तो पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के लिए, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के लिए आपको ये पार्टनर वाला सिलेक्ट करना है। अगर कंटेंट वाला कर रहे हो तो कंटेंट वाला सिलेक्ट करना है। और हमेशा याद रखना जो भी सिलेक्ट करोगे उसके साथ आपको यहाँ पे आपका पेज का जो लिंक है यहाँ पे आप देख सकते हो प्लीज़ इंक्लूड ए लिंक टू द एफेक्टेड पेज और प्रोफाइल, मतलब आपका जो पेज का लिंक है इसको यहाँ पे डालना है और उसी के साथ यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट डालना है प्लीज़ इंक्लूड द स्क्रीनशॉट ऑफ मोनेटाइजेशन एलिजिबिलिटी नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको सिंपली से जाके क्या करना है, वो आपका जो क्रिएटर स्टूडियो है ये जो आया है इसका एक स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे डालना है और फिर आपको सेंड कर देना है। मगर ये चीज़ करने से पहले आपको आपके सारे गलती को सुधारना है। पेज पे यहाँ पे क्यों आया है ये आपको देख के मालूम पड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट, मतलब कि आपके पेज का जो कंटेंट है वो डुप्लीकेट है, कॉपी पेस्ट है। तो आपको सारे डुप्लीकेट कॉपी पेस्ट जो भी कॉपीराइट इशू है उन तमाम वीडियोज़ को डिलीट करना है, उन तमाम कंटेंट को डिलीट करना है। उसके बाद फाइनली आपको जाके इस ऑप्शन पे क्लिक करके रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू पे प्रेस करके रिव्यू करना है, जो कि ये पेज पे जाके आपको डालना है, सब डिटेल फिल करके करना है, पार्टनर यहाँ पे पेज पे पेज यूआरएल और फिर चूज करना है आपको जो ये पाला स्क्रीनशॉट लेके, यहाँ का जो स्क्रीनशॉट है मैंने दिखाया था आप लोगों को, फिर से दिखा देता हूँ, ये जो स्क्रीनशॉट है इसको लेके आपको डालना है और उसके बाद सेंड कर देना है। तो चांसेस हो जाएगा, आपको आशा करता हूँ फिर से आपका पेज मोनेटाइज हो जाए। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से अगर आपके पेज पे रेस्ट्रिक्शन आता है ऐसे रेड कलर का लिखा हुआ आता है तो आपको क्या करना है ये आपको 100% समझ में आ गया है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो पे इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।